अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब हमें कोई ख़ास वीडियो बनानी हो या कोई ख़ास रिकॉर्डिंग करनी हो या व्लॉगिंग करनी हो या हमें कोई इंटरव्यू देना हो या इंटरव्यू किसी का लेना हो तो हमें एक ख़ास किस्म के माइक की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ एक नया माइक, इसका नाम है बोया BY-MM1। तो दोस्तों, अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो वेट है वो बहुत ही हल्का है, और ये DSLR के साथ, कैमरा फोन के साथ और इसके अलावा जो वॉइस रिकॉर्डर होते हैं उसके साथ भी अटैच हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो इसमें कोई सेल होती और ये बैटरी लेस है। इसके अलावा अगर हम इसकी विंडशील्ड की बात करें तो वो इसकी बहुत ही परफेक्ट है, और अगर हवा चल रही है तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हवा चल रही है और बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस नहीं आने वाली। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करें। इसका ये टिपिकल बॉक्स है और यहाँ पे इसका मॉडल नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, कंपैटिबल विद स्मार्टफोन्स, टैबलेट, DSLR। डायमेंशन इसकी ये दी गई है, इसका टोटल वेट 86 ग्राम है जो कि बहुत ही लाइट है। तो टाइम ज़ाया करने से पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले ये बता दूँ कि ये चाइना का ब्रांड है, मेड इन चाइना है। इसकी कोई वारंटी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इसकी चेक वारंटी होती है। तो दोस्तों, मैंने फाइनली ये बॉक्स खोल लिया है। इसमें मैं पहले पहले ये इसका माइक मिलता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट किस्म का है, और इसमें मेरे नहीं ख्याल के दिख रहे हैं ये माइक है। इसको हम साइड पे रख देते हैं और इसके बाद हम ये देखते हैं, ये इसका स्टैंड है जो कि ये नीचे DSLR के साथ, जैस्टिक के साथ ये यहाँ पे कनेक्ट होता है। और इसके अलावा ये हम देख लेते हैं, ये केबल है सेल फोन के लिए, टैबलेट के लिए। और इसके अलावा ये DSLR के लिए इसकी केबल है, कनेक्टिंग केबल है। सिर्फ केबल ही कनेक्ट होती है इसके लिए, कोई चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बैटरी की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, ये इसका कवर है जिसमें हम डाल के इसको रख सकते हैं और किसी भी किस्म ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स साथ लेके जाना एक अजीब किस्म की बात होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इसकी सेफ्टी के लिए अच्छा स्टेप लिया गया है। उसके बाद ये है बस दोस्तों, बस आज की हमारी भी अनबॉक्सिंग थी एक माइक के बारे में, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी और प्रीमियम लुक है इसकी। और ये या तो आप किसी DSLR के साथ या माइक्रोफोन की सेल्फी स्टिक के साथ या किसी माइक के साथ, किसी डिवाइस के साथ इसको फिक्स कर लें तो ये बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये इसी माइक से ही हो रही है। दोस्तों, आप इस चीज़ को वाजे समझ सकते हैं कि पहले जो मेरी रिकॉर्डिंग है और इस रिकॉर्डिंग में क्या फ़र्क है। दोस्तों, इसका साउंड बहुत ही यूनिक है, इसकी रिकॉर्डिंग बहुत ही यूनिक किस्म की होती है। दोस्तों, आपने अब मुझे बताना है ऊपर दिए गए पोल में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस माइक की जो क्वालिटी है वो कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आप इसके अलावा और किसी माइक की या किसी गैजेट की आप अनबॉक्सिंग देखना चाहती हैं तो मुझे नीचे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।